हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोगों ने बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री को देख रहे थे हम लोग। तो पिछले लेक्चर में दो लेक्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, दो चैप्टर देख चुके हैं उसमें। तो दूसरे चैप्टर में थी परमाणु संरचना। अब इसमें बात करने वाले हैं हम लोग रेडियोधर्मिता के बारे में। याद रखिए, केमिस्ट्री से संबंधित जितने लेक्चर बनेंगे वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखना है, हेनरी वेक वेरल ने। रेडियोधर्मिता किसका गुण है? तो याद रखना, नाभिक का। रेडियोधर्मी परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो याद रखना, परमाणु का नाभिक। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? याद रखना, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो याद रखना, क्यूरी। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? ऋणात्मक, याद रखना। गामा किरणें क्या है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। किन किरणों को वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, गामा किरणों की। किन किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो याद रखना, गामा किरणों की। किन किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, अल्फा किरणों की। समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो याद रखना, सीसा में। किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है? तो याद रखना, अल्फा किरणों की, और सबसे ज़्यादा गामा किरणों की। किन रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो याद रखना, पोलोनियम। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखना, परमाणु कृपांक में एक की वृद्धि एवं परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अल्फा, एक अल्फा के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में दो, परमाणु द्रव्यमान में चार की कमी हो जाती है। ठीक है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश के कितना है? दो इकाई धन आवेश। बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? ऋण आवेशित कणों की। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो याद रखना, बीटा किरण। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? बीटा किरण। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो याद रखना, बीटा किरण में। इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन है? तो याद रखना, बीटा किरण। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता सबसे अधिक है। अधिक क्षमता अधिक क्यों होती है? तो याद रखना, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो याद रखना, रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो याद रखना, रदरफोर्ड। हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन रेडियो सक्रिय किरण होती है? याद रखना, अल्फा किरण। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है? विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात एवं उनकी रेडियो सक्रियता। ठीक है,
चलिए तो कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या कितनी है? इसमें 6, और न्यूट्रॉनों की संख्या 6, अनुपात इसका 1 निकलेगा, ठीक है। रेडियो सक्रिय नहीं है ये, ठीक है। फिर है हमारा नाइट्रोजन, इसकी प्रोटोनों की संख्या 7 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है इसमें, अनुपात इसका 1 है, रेडियो सक्रिय नहीं है ये भी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 8 है प्रोटोनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसका अनुपात 1 है, ये रेडियो सक्रिय नहीं है। फिर है हमारा कैल्शियम, तो इसमें 20 है प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, इसका अनुपात 1 है, रेडियो सक्रिय नहीं है ये, ठीक है। फिर है मैग्नीशियम, ठीक है, तो इसकी 12 है प्रोटोनों की संख्या, 12 है न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात होगा 1, रेडियो सक्रिय नहीं है ये, ठीक है, याद रखिए। फिर है यूरेनियम, तो 92 है इसकी प्रोटोनों की संख्या, 143 है न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका अनुपात है 1.55, ये रेडियो सक्रिय है, ठीक है। आगे बात करते हैं रेडियम की, तो इसका 88 है इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या 88 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 138 है, रेडियो सक्रिय है, ठीक है, याद रखिए। क्या है? रेडियो सक्रिय है। फिर है बेरिलियम, ठीक है, तो इसमें कितनी है? 4 है इसके प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 3 है, अनुपात इसका 0.75, ये भी रेडियो सक्रिय नहीं है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो याद रखना है, भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया किसके लिए उत्तरदायी है? परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर किरण चिकित्सा में प्रयोग होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक एवं नाभिकीय अभिक्रियाओं में अंतर। ये रासायनिक अभिक्रिया है, यह नाभिकीय। तो रासायनिक में इसमें परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था होती है, लेकिन परमाणु के नाभिक में नाभिक अप्रभावित रहते हैं। इसमें परमाणु का नाभिक प्रभावित होता है, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या बदल जाती है, नए नाभिक का सृजन होता है। उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय दोनों में कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, इसमें अनुत्क्रमणीय होती है। इस पर अभिकारकों की भौतिक अवस्था तथा बाह्य अवस्थाओं का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ, यह अभिक्रिया अभिकारकों की भौतिक एवं अन्य बाह्य कारणों से अप्रभावित रहती है। बात कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों की का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये अल्फा हो गए, ये बीटा किरण, एक गामा किरण। तो अल्फा किरण, एक किरण अति सूक्ष्म धन आवेशित कण की बनी होती हैं, बीटा किरण ऋण आवेशित युक्त कणों की बनी होती हैं, गामा किरण विद्युत उदासीन होती हैं। अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, बीटा किरण विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, और गामा किरण होती हैं विचलित नहीं होती हैं। अल्फा किरण द्रव्यमान अधिक होता है इनका, बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होता है, और गामा किरणें होती हैं आद्रव्य
प्रकृति की वाली होती हैं। अल्फा, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। बीटा में अल्फा कणों से बहुत कम होती है और गामा किरणों में बहुत ही कम होती है। अल्फा, आयरन क्षमता अधिक होती है अल्फा किरणों का, बीटा को कम होती हैं और गामा का बहुत कम होती हैं। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता कम होती है, अल्फा किरणों से अधिक होती है बीटा की भेदन क्षमता, और सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। ठीक है, अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालकर स्फूर्ण दीप्ति उत्पन्न करती हैं, बीटा किरणें अपेक्षाकृत कम प्रभाव डालती हैं और गामा किरणें होती हैं बहुत कम प्रभाव डालती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, यही बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इसमें भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन में इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, फिर है नाभिकीय विखंडन में, तो इसमें भारी तत्व के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। नाभिकीय संलयन में इसके हल्के तत्वों के नाभिक पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इत्यादि कणों द्वारा प्रहार कराया जाता है। नाभिकीय विखंडन यह क्रिया सामान्य ताप पर कराई जाती है, लेकिन नाभिकीय संलयन होता है यह क्रिया 1,000,000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की एक विशाल राशि उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय संलयन में इसमें उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक, अब आगे बात करने वाले हैं, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, यूरेनियम एंड यूरेनियम में कितने अल्फा बीटा कणें उत्सर्जित होते हैं? 3 अल्फा और 1 बीटा। यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है। यदि यूरेनियम विघटित होकर पोटेशियम 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होता है? तो याद रखना, 1 अल्फा और 1 बीटा याद रखिए। ठीक है, सॉरी, फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस 234। एक रेडियो धर्मी तत्व की अर्धायु 20 मिनट है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक कटने में कितना समय लगेगा? 40 मिनट। आगे देखते हैं, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्राथमिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो याद रखना, 6.4%। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का लक्ष्य 6 होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने। आगे बात करते हैं, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का उपयोग करती है? तो याद रखना, कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु। किंतिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? एफ जूलियट व आई क्यूरी ने। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना, रदरफोर्ड तथा सौडी ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हान। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किसने दिया? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। ठीक है, बात करते हैं, एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा।
एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। कल्पकम की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो याद रखना, समृद्ध यूरेनियम। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। गामा किरणों का वेग लगभग कितने बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनाज, फल तथा सब्जियों आदि के रोगाणु नाशक में। थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय आयोडीन का। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? एनरिको फर्मी के। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है? सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का। किस परमाणु क्रमांक का यूरेनियम सबसे अधिक रेडियो एक्टिव होता है? 235। ठीक, इसे याद रखना। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी। ठीक, अधिक पुरानी चट्टानों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। नाभिक ऊर्जा का भविष्य ईंधन कहा जाता है, थोरियम को। किसी परमाणु का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर। भारी पानी की खोज किसने की? एच सी यूरे ने। ठीक, कुछ रेडियो धर्मी तत्व उनके अर्ध आयु काल हैं तो देख लीजिए। ठीक है, संकेत हैं ये अर्ध, उनकी अर्ध आयु है। ठीक है, जैसे पोलोनियम 212 है। ठीक है, इसका 84 पीओ 212 है, संकेत हो गया 3×10^7 से। ठीक है, देख लेना जी। बात करते हैं कुछ कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व उनके उपयोग, तो आयोडीन 131, थायरॉइड रोग में इसका उपचार उपयोग किया जाता है, फॉस्फोरस अस्थि रोगों में, कोबाल्ट 60 मस्तिष्क ट्यूमर एवं कैंसर के इलाज में उपयोग होता है, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का वेग नापने में किया जाता है इसका। ठीक, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग समस्थानिक, समभारी एवं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, अगला लेक्चर।